जो छूटा था हमारा, कि कहाँ से छूटा था, कि अब लिटरेरी सोर्स के बारे में हमको डिस्कस करना है कि एंशियंट इंडिया के से लिटरेरी सोर्सेस के थ्रू कैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है एंशियंट इंडिया के बारे में। ठीक है, लिटरेरी सोर्सेस के बारे में कैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है एंशियंट इंडिया के बारे में, लिटरेरी सोर्सेस के थ्रू कैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है, इस बात को हमको डिस्कस करना है यहाँ। ठीक है, सो लिटरेरी सोर्सेस से मतलब समझ रहे हैं दोनों लोग? ठीक है, सब लोग समझ रहे हैं लिटरेरी सोर्सेस से मतलब? लिटरेरी सोर्सेस जी से सर, जी सर, मतलब कि जो आपके जो रिटन सोर्सेस मिले हैं, जिसके थ्रू आप एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में जान रहे हो, दैट इज अ लिटरेरी सोर्सेस। लिटरेरी सोर्सेज मतलब जो क्या है, जो रिटेन फॉर्म्स, रिटेन हाँ रिटन रिटन क्या है, रिटन सोर्स, फॉर्म हाँ रिटन रिटेन फॉर्म में सोर्स। है एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के सोर्सेज, दैट इज द लिटरेरी सोर्स। ठीक है, अब आप अपना अपना माइक ऑफ कर लो, बिकॉज रिकॉर्डिंग भी इसका बाद में भेज देंगे हम। ठीक है, सो दैट इज अ लिटरेरी सोर्स। तो लिटरेरी सोर्स को हमने कितने कैटेगरी में डिवाइड किया है? हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक इज रिलीजियस लिटरेरी सोर्स और दूसरा क्या है नॉन रिलीजियस लिटरेरी सोर्स। अब रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेस क्या है, जो मीन्स जो आपके धर्म है, जो रिलीजन है, धर्म ग्रंथ है, उन्होंने कुछ लिखा है, दैट इज अ रिलीजियस लिटरेरी सोर्स। नॉन रिलीजियस क्या है, जो धर्म ग्रंथ नहीं है, दैट इज नॉन रिलीजियस लिटरेरी सोर्स। अब रिलीजियस सोर्स तो हम पढ़ते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे। रिलीजियस सोर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके थ्रू आपको एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिलती है, दैट इज वेदास। वेदास ठीक है, वेदास काफी पुराने एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है वेदास। दूसरा है इपिक्स, वेद, वेद चार वेद है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्वेद, सामवेद, है ना, एक एक करके जब वैदिक पीरियड पढ़ेंगे तो वहां डिस्कस करेंगे इपिक्स। ठीक है, इपिक्स के थ्रू भी हमको एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के लिटरेरी सोर्स के थ्रू जानकारी मिलती है। इपिक्स क्या है, व्हाट इज इपिक्स? ठीक है, इपिक्स जानते हैं? ठीक है, इपिक्स इज लाइक ए लॉन्ग स्टोरी, लाइक महाभारत, ठीक है, रामायण, दीज आर इपिक्स। ठीक है, देन देन है आपका पुराण्स। पुराण्स में हिंदू में पुराण्स होते हैं, वायु पुराण, अग्नि पुराण, गरुड़ पुराण, स्टोरीज है, दैट इज पुराण। देन स्मृति टेक्स्ट, ठीक है, स्मृति टेक्स्ट क्या है, स्मृति क्या है, स्मृति लिटरेचर रेफर्स टू दी इंटायर बॉडी ऑफ पोस्ट वैदिक एंड क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर के टाइम में, ये जो स्मृति स्मृति दैट कैन बी रिमेम्बर्ड, जो सुन के सीखा गया हो, रिमेम्बर्ड रिमेम्बर्ड, जैसे मनुस्मृति। ठीक है, दूसरी बात करते हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट, किसकी बात करते हैं, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, बुद्धिज्म में के जो रिलीजियस टेक्स्ट है, दैट इज बुद्धिस्ट टेक्स्ट, उसके थ्रू भी हमको बहुत सारी रिलीजियस इंफॉर्मेशन मिलती है, जिसके थ्रू आप एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। इसी तरह जैनिज्म लिटरेचर है, उनके थ्रू भी आप एंशियंट इंडियन लिटरेचर के बारे में जानते हैं। ठीक है, आई बात समझ में, यहाँ तक यस क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब देखते हैं दैट नॉन रिलीजियस सोर्सेस। ठीक है, ठीक है, अब एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के, अब वो तो हमने रिलीजियस सोर्सेस डिस्कस कर ली, अब नॉन रिलीजियस सोर्सेस। सो पहला है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र तो आप सब कोई जानते होंगे, चाणक्य ने लिखा अर्थशास्त्र किताब। अर्थशास्त्र किताब किसके बारे में थी, इट इज अबाउट किसके बारे में, स्टेट क्राफ्ट। स्टेट क्राफ्ट मीन्स कि या पॉलिटिकल सिस्टम या एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट का कैसे चलेगा, इसके बारे में कौटिल्य की किताब अर्थशास्त्र थी। ठीक, नेक्स्ट है राजतरंगिणी। ठीक है, राजतरंगिणी किसने लिखी, खलना एक राइटर है, इन्होंने लिखी, और ये बेसिकली हिस्ट्री है जम्मू एंड कश्मीर की, या कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में लिखूं, राजतरंगिणी खलना। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, और खलना को फर्स्ट हिस्टोरियन या इंडियन हिस्टोरियंस भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है नॉन रिलीजियस सोर्स में, नीति सारा। ठीक है, नीति सारा, नीति सारा किसने लिखा, क्यों बेटा इसने लिखा नीति सारा, बोलिए। पता हाँ नहीं सर, हाँ नबम किसने लिखा नीति सारा, सर ये अर्थशास्त्र का तो पता था, इसका अर्थशास्त्र। पता नहीं हम। ठीक, अब धीरे धीरे सारा की सब चीजें पता चल जाएगी। ठीक है,
ठीक है। नीति सारा, नीति सारा, नीति सारा देखिए किसने लिखा, क्या लिखा है, कमंड का, ठीक है। ये एक राइटर थे जिन्होंने कमंड का लिखा। ये कंपोज्ड किस टाइम पे हुई थी, ये किस टाइम पे हुई थी, ये किस टाइम पे, ये गुप्ता पीरियड के टाइम पे लिखी। यही सब छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है जो आपको मतलब सीखनी है, गुप्ता पीरियड के टाइम पे लिखी गई थी, ठीक है, ये किताब, ठीक है। नेक्स्ट है महाभाष्य। महाभाष्य किसने लिखी, महाभाष्य आपके लिखी पतंजलि ने लिखी, ठीक है, महाभाष्य पतंजलि ने लिखी। ये कब टाइम पे लिखी गई थी, ये मौर्यन पीरियड के टाइम पे लिखी गई थी, या मौर्यन पीरियड की इंफॉर्मेशन बहुत सारी इसमें मिलती है महाभाष्य। तो मौर्यन पीरियड किसका पार्ट है, एंशियंट इंडिया का पार्ट है ना, एंशियंट इंडिया का पार्ट। और महाभाष्य पतंजलि के इस बुक में, पतंजलि की इस बुक महाभाष्य में मौर्यन पीरियड्स के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो हम कह सकते हैं दिस इज अ नॉन लिटरेरी सोर्सेज, ये सॉरी दिस इज अ लिटरेरी सोर्सेज ऑफ एंशियंट इंडिया, इंडियन एंशियंट इंडियन पीरियड ऑफ मौर्यन पीरियड का नॉन लिटरेरी सोर्स, या लिटरेरी सोर्सेज है जो नॉन रिलीजियस सोर्सेज बोलिए, ठीक है। देन मुद्राक्ष, मुद्राक्ष किसने लिखी, मुद्राक्ष इज अ प्ले, ठीक है, ये किसने लिखा, विशाखा दत्ता ने लिखा, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ये प्ले है, लाइक अराउंड 400 AD के अराउंड इसको लिखा गया, कब लिखा गया, 400 AD के अराउंड इसको लिखा गया, विशाखा दत्ता, मुद्राक्ष, विशाखा। ये सब छोटा छोटा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है दैट यू नीड टू रिमेम्बर, ये TGT में पूछा जाएगा, PGT में भी पूछ सकते हैं। टेन अष्टाध्यायी ने लिखी, क्या लिखी, अष्टाध्यायी ने लिखी पाणिनि, ये एक है ग्रामर है, ठीक है, ग्रामर है, संस्कृत ग्रामर है। अष्टाध्यायी ने पाणिनि लिखी, 6th सेंचुरी या 5th सेंचुरी के आसपास इन्होंने पाणिनि लिखी। सो ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है दैट यू नीड टू क्या है, रिमेम्बर, ठीक है। अब ये मतलब रिटन सोर्सेज है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, नॉन रिलीजियस रिटन सोर्सेस, ठीक है। अब ये कुछ इंफॉर्मेशन है दैट आपको याद रखनी है, ठीक है। अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी, नीतिशारा, महाभाष्य, मुद्राक्ष, अष्टाध्यायी, डायरेक्टली पूछ लेगा किसने लिखा, ठीक है। अब रिलीजियस टेक्स्ट में और आते हैं। द बेस ऑफ रिलीजियस लिटरेचर, रिलीजियस लिटरेरी सोर्स इज फॉर्म्ड बाय द ब्राह्मण टेक्स्ट सच एज वैदिक टेक्स्ट। तो बेस कहाँ से, ब्राह्मण टेक्स्ट, वैदिक टेक्स्ट से आपका रिलीजियस सोर्स आता है ज्यादातर, ठीक है। क्या है, सूत्रास, स्मृतिस, पुराणास एंड इपिक्स, ठीक है। सूत्रास क्या है, व्हाट इज सूत्रास, सूत्रास इज लाइक अ थ्रेड, सूत्रास को बोले शॉर्ट टेक्स्ट, ठीक है, सूत्रास को हम बोल सकते हैं शॉर्ट रिलीजियस टेक्स्ट, शॉर्ट रिलीजियस टेक्स्ट, ठीक है, चाहे हिंदू धर्म के हो या किसी धर्म के सूत्र। स्मृति क्या है, जो लिसन या रिमेम्बर, रिमेम्बर की हुई चीजें। पुराण में बताया था स्टोरीज लाइक अग्नि पुराण, वायु पुराण, गरुड़ पुराण। इपिक्स क्या है, लॉन्ग स्टोरीज, इसमें इपिक्स में क्या है, महाभारत, और क्या, रामायण, ठीक है। ये क्या है, ये सब आपके इपिक्स हैं, ठीक। वैदिक टेक्स्ट, द ओल्डेस्ट अमंग द वेदास इज ऋग्वेद, ठीक। दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन, कई बार पूछा गया, सबसे ओल्ड क्या है, ऋग्वेद, सबसे ओल्ड क्या है, ऋग्वेद है सबसे ओल्ड टेक्स्ट, दैट ओल्डेस्ट अमंग टेक्स्ट इज द ऋग्वेद। ओल्डेस्ट अमंग टेक्स्ट इज अ ऋग्वेद, विच गिव अस एन आइडिया ऑफ ऋग्वैदिक, कौन सी सोसाइटी, वैदिक सोसाइटी, ऋग्वैदिक सोसाइटी, आइडिया ऑफ ऋग्वैदिक, विच गिव्स एन आइडिया ऑफ ऋग्वैदिक सोसाइटी, वेयर ऑन द अदर हैंड सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्वेद गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द सोसाइटी ऑफ लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद आया वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड के बाद आया लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है, वैदिक पीरियड के बाद आया आपका लेटर वैदिक पीरियड। सो लेटर वैदिक पीरियड की ज्यादातर इंफॉर्मेशन आपको सामवेद, यजुर्वेद, अथर्वेद में मिलती है, ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड का टाइम है 1000 से, वैदिक पीरियड का है
1500 BC से 1000 BC, और लेटर वैदिक का टाइम पीरियड है 1000 से 600 BC. दिस इज अ लेटर वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड है. ठीक. वेदास फ्रॉम दिस ट्रीज ऑफ 900 ईयर्स, 1500 से ये पूरा, दिस इज अ एंटायर टाइम पीरियड ऑफ वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड. ठीक. अर्ली वैदिक का 1500 से 1500 से 1000, एंड लेटर वैदिक का 1000 से 600 BC टाइम पीरियड है. ठीक है, यहाँ तक समझ. ठीक. दीज टेक्स्ट हेल्प टू डिराइव आउट द इंफॉर्मेशन अबाउट द ओरिजिन ऑफ द आर्यन. ठीक है, अब दिस इज ऑल्सो अ डिबेटेबल टॉपिक. ठीक है, ओरिजिन ऑफ आर्यन, कुछ लोग कहीं का बोलते हैं, कुछ लोग कहीं का बोलते हैं, दिस इज अ डिबेटेबल टॉपिक. एंड देयर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, देयर सोसाइटी, देयर इकोनॉमिक एक्टिविटी, रिलीजियस पर्सपेक्टिव एंड कल्चरल अचीवमेंट एंड लॉट मोर. ठीक है, ये भी वेदास में कई चीज आर्यन के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, सोसाइटी, इकोनॉमी, कल्चरल पर्सपेक्टिव के बारे में भी जानने को मिलता है. सो ये हम टेक्निकली कह सकते हैं कि एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में ये रिलीजियस सोर्स है जो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, रिटन इंफॉर्मेशन देती है. नेक्स्ट है सूत्रास. सूत्रास मैंने बताया, जैसे थ्रेड लाइक कह लो कि एक एक हाइम को, मंत्र को बहुत अच्छा उच्चारण दे दिया, बहुत अच्छा मेलोडी डाल के, राइम्स डाल के दे दिया, उसको सूत्रा बोलते हैं. आफ्टर वैदिक टेक्स्ट दे अराइव्ड एन एरा ऑफ सूत्रास. दीज वर कॉल्ड सूत्रास बिकॉज द वर्ड और द हाइम्स वर प्लेस्ड ब्यूटीफुली लाइक पर्ल्स इन द थ्रेड. मतलब एक इट इज लाइक एग्जाम्पल, तुलना कर रहा है कि हाइम्स को एक ब्यूटीफुली डिजाइन करके बोलने का दे दिया कि अच्छे तरीके सुनने में अच्छा लगे, इसको सूत्रास. दीज सूत्रास गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द वैदिक पीरियड. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वेदास वेल, वेदांग्स वर फॉर्म्ड देन दे वर डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट. ठीक है, वेदांग्स इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, वेदांग इट इज फिलोसफी में पढ़ते हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. ठीक है, इसको हम स्किप करेंगे. लाइक वेदांग्स, ए सेक्शन ऑफ उपवेदास ऑल्सो डेवलप्ड, एंड दीज आर 4 उपवेदास रिलेटेड टू डिफरेंट वेदास. वेदांग्स के जैसे ही 4 उपवेदास डेवलप हुए, दिस इज इम्पोर्टेंट. ठीक है, ये आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है. उपवेदास, वेदास के सब वेदा या कह लीजिए उपवेदा. ठीक है, आयुर्वेद इज रिलेटेड टू ऋग्वेद. ठीक है, आयुर्वेद दैट डील्स विद द मेडिकल साइंस इज रिलेटेड टू ऋग्वेद. देन आपका गंधर्व वेद दैट इज रिलेटेड टू सामवेद, दिस इज म्यूजिक एंड मेलोडी. ठीक है, दैट इज गंधर्व वेद. देन धनुर्वेद इट इज रिलेटेड टू वॉर स्किल, आर्म्स एंड एमिनेशन. ठीक, धनुर्वेद इट इज रिलेटेड टू यजुर्वेद. ठीक है, यजुर्वेद का रिलेशन धनुर्वेद से है. धनुर्वेद इज अ उपवेद ऑफ यजुर्वेद. हां, इसमें वाक, स्किल, आर्म एंड एनिमेशन के बारे में डील करते हैं. नेक्स्ट है आपका शिल्प वेद, इट इज रिलेटेड टू आर्ट, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर. इट इज अ उपवेद ऑफ अथर्वेद. ये किसका उपवेद है? अथर्वेद का उपवेद है. सो देखिए, ये चारों चीज यू नीड टू रिमेम्बर, आयुर्वेद, गंधर्वेद, धनुर्वेद, शिल्प वेद. आयुर्वेद का उपवेद क्या है आपका? आयुर्वेद का क्या है? ऋग्वेद. गंधर्वेद का क्या है? सामवेद. ठीक है, ये आपको याद रखना है. धनुर्वेद का क्या है? यजुर्वेद, यजुर्वेद. शिल्प वेद का क्या है? अथर्वेद, है ना. ये चीजें आपको बिल्कुल से याद रखनी है ना, तभी आपको, मतलब ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है हिस्ट्री में, कुछ चीजें जो आपको बिल्कुल से दिमाग में बैठा लेना है. ठीक है, चलिए आगे देखें. इधर तक क्लियर हो रहा है? यहाँ तक क्लियर हो रहा है सब सबको? ठीक है, ओके. देन स्मृति टेक्स्ट, आफ्टर सूत्रास स्मृति. स्मृति मतलब वही जो सुन के जो हमको ऐसा माना गया, और ऐसा भी बोलते हैं स्मृति भगवान ने लिखी. ठीक है ना, मतलब किसी इंसान ने नहीं लिखी. स्मृति टेक्स्ट वर फॉर्म्ड, मनुस्मृति इज द ओल्डेस्ट स्मृति विच वॉज फॉर्म्ड बिटवीन 200 BC टू 200 AD. यज्ञवल्क्य स्मृति. ठीक है, ये भी एक सेज थे, संत थे, यज्ञवल्क्य. यज्ञावलक्या स्मृति वॉज एनादर स्मृति कंपाइल्ड बिटवीन 100 AD टू 300 AD, एंड दीज टू स्मृति टेक्स्ट थ्रो द लाइट ऑन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड. ठीक है, ये दो स्मृति किसके बारे में दिखाती है आपके? पोस्ट मॉडर्न, किसके? पोस्ट मॉडर्न पीरियड की, या पोस्ट मॉडर्न पीरियड पार्ट ऑफ
एंशियंट हिस्ट्री है, उसके बारे में ये चीजें दिखाती है। ठीक है, नारद स्मृति, अर्षरा स्मृति थ्रो द लाइट एंड सोशल एंड रिलीजियस कंडीशन ऑफ गुप्ता। ठीक है, अब देखिए नारद स्मृति एंड पाराशरा स्मृति, ये गुप्ता पीरियड के बारे में ये इस स्मृति में लिखा है, या जो भी है इंफॉर्मेशन मिलती गुप्ता पीरियड के बारे में। ठीक है, बिसाइड दिस बृहस्पति स्मृति एंड कात्यायन स्मृति वाज आल्सो द टेक्स्ट ऑफ द गुप्ता टाइम। ठीक है, ये भी गुप्ता टाइम के टेक्स्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, पुराणस, पुराण आफ्टर स्मृति टेक्स्ट पुराणस वर कंपाइल्ड व्हिच इज मेनली 18 इन नंबर। ठीक है, अब ये सिंपल सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, कितने पुराण है टोटल आपके, तो 18 पुराण है। ठीक है, 18 इन नंबर, अमंग दैट मार्कंडेय पुराण, वायु पुराण, ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, भगवत पुराण, मत्स्य पुराण वर पॉसिबली एंशियंट पुराण एंड द रेस्ट वर क्रिएटेड लेटर। ठीक है, ये पुराने हैं और जो बाकी बचे दैट वाज क्रिएटेड लेटर। तो पुराण की मैंने दे दिया है, नोट्स में भी आपको मिल जाएगा, देख लेना, अग्नि, ब्रह्मा, ब्रह्मवत्त, कुर्मा, मार्कांडे, नारद, शिवा, ये आपको एक दो बार आप गो थ्रू करोगे नोट्स को तो आपके पुराण ये रिमेम्बर हो जाएंगे। अब देखिए क्या कह रहा है, देयर इज अ ग्रेट ग्रेट डील ऑफ इंफॉर्मेशन, देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ इन्फॉर्मेशन, देर इज अ ग्रेट डील ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडियन डायनेस्टी इन मत्स्य एंड वायु पुराण। ठीक है, मत्स्य एंड वायु पुराण में इंडियन डायनेस्टी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली थी। ठीक, पुराण्स आर द ओनली अवेलेबल सोर्स ऑफ द डायनेस्टीज विच रूल्ड आफ्टर द बैटल ऑफ महाभारत। महाभारत की बैटल के बाद पुराण में बहुत सारी सोर्सेस जानने को मिलती है इंडियन डायनेस्टी के बारे में। ठीक है, पुराण्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स फॉर्मेशन ऑफ द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया, कल्चरल हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया के बारे में भी पुराण्स में बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं या लिखी हुई हैं। पुराण्स प्रोवाइड ए क्रोनोलॉजी ऑफ द डिफरेंट डायनेस्टी एंड देयर हायरार्की फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट। क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं, एक सीक्वेंसिंग में डायनेस्टी की सीक्वेंसिंग क्या थी, पहले कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन, दिस इज लाइक दैट। देन इपिक्स, इपिक्स के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, इपिक्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ब्राह्मणिकल टेक्स्ट। ठीक है, महाभारत एंड रामायण बीइंग अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमंग देम। ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट इपिक्स क्या है, लॉन्ग स्टोरी दैट महाभारत एंड द रामायण वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट इपिक्स जो इट वॉज क्रिएटेड बाई वाल्मीकि इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड। दो द हिस्टोरिसिटी ऑफ दिस टेक्स्ट इज डाउटफुल बट क्रिएटेड अ पिक्चर ऑफ आइडियल इंडियन सोसाइटी। ठीक है, अब मतलब हिस्टोरिसिटी इसकी डाउटफुल है, तो कुछ रियल है कि नहीं है, इट इज आई कांट से या यू कांट से, बट इट क्रिएटेड अ वेरी गुड रियल आइडियल पिक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक, महाभारत वाज द सेकेंड इपिक वाज कंपाइल्ड बाय क्या, वेद व्यास। ठीक है, महाभारत वाज कंपाइल्ड बाय द क्या, वेद व्यास। इट वाज कंप्लीटेड इन ए गुप्ता पीरियड। इनिशियली इट वाज नेम्ड एज जय संहिता विच लेटर केम टू बी नोन एज भारत बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ डायनेस्टी द इंडिया। भारत मतलब इंडिया की डायनेस्टी के बारे में जान रहे हैं, इसलिए इसको महाभारत बोल दिया गया, ऐसे हिस्टोरियंस बोलते हैं। देन है हमारे लास्ट में जो लिटरेरी सोर्सेज हैं एंशियंट इंडिया के, बुद्धिस्ट लिटरेचर। ठीक है, तो जब बुद्धिस्ट करेंगे तो उधर और हम डिटेल में करेंगे इसको, बुद्धिस्ट को। पिटकास, पिटकास मींस कंपाइलेशंस। पिटकास आर द ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ पिटकास। ठीक है, ये याद रखिएगा, बुद्धिज्म में भी पढ़ेंगे जानेंगे, सुत्त पिटका, विनय पिटका, अभिधम्म पिटका। ठीक है, इट वाज कंपाइल्ड आफ्टर द लॉर्ड बुद्धा अटेन निर्वाणा। ठीक है, लॉर्ड बुद्धा जब निर्वाण अटेन कर लेते हैं उसके बाद ये पिटका या ये जो बुद्धिस्ट रिलीजियस टेक्स्ट को कंपाइल किया जाता है। अब सुत्त पिटका में क्या है, सुत्त पिटिका में क्या है, आप लेट आ रहे हैं, अभी क्लास ओवर होने वाली है तब आप आएंगे। ठीक है, जो भी है, अब देखिए सुत्त पिटिका में क्या है, सुत्त पिटिका कंसिस्ट ऑफ रिलीजियस आइडियोलॉजी ऑफ सेइंग ऑफ द लॉर्ड बुद्धा। जो लॉर्ड बुद्धा ने क्या क्या अपनी आइडियोलॉजी, रिलीजियस आइडियोलॉजी दी थी, उसके बारे में सुत्त पिटिका में लिखा हुआ है, तो ये भी आपके एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, देन विनय पिटिका, इट कंसिस्ट ऑफ द लॉज ऑफ बुद्धिस्ट संघ। अब जो बुद्धिस्ट जो संघ में या जो बुद्धिस्ट मॉन्क होंगे किस लॉ को या किस तरीके से काम करेंगे, दिस इज मेंशन इन विनय पिटिका। ठीक है,
अभिधम्म पिटिका कंसिस्ट ऑफ द बुद्धिस्ट फिलोसफी, और अभिधम्म पिटिका में क्या लिखा है, पूरा बुद्धिस्ट फिलोसफी के बारे में लिखा हुआ है अभिधम्म पिटिका में, ठीक है। रिसाइट्री पिटिकास जगता कथा वर क्रिएटेड विच कंसिस्ट ऑफ एंटीडोट रिलेटेड टू द प्रीवियस बर्थ ऑफ द लॉर्ड बुद्धा। द कंपाइलेशन ऑफ द जगतास बिगन इन द फर्स्ट सेंचुरी, जगता मीन्स कथा बुद्धा के बारे में जो कथा लिखी गई है, स्टोरी लिखी गई फर्स्ट सेंचुरी बीसी, बट प्रेजेंट फ्रॉम इट वॉज कंपाइल्ड इन सेकेंड सेंचुरी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट, ये बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में था, ठीक है ना। बुद्धिस्ट टेक्स्ट विच कंसिस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट रूलर ऑफ द गुप्ता एम्पायर फ्रॉम द बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में बुद्धा रूलर के जितने बुद्धिस्ट के बारे में डिफरेंट पर्सपेक्टिव से कलेक्शन है, ठीक। वाज बुद्धिस्ट टेक्स्ट महाजनपद्स के बारे में लिखा हुआ है, इसको हम और डिटेल में जब करेंगे क्लास में तो बताएंगे, ठीक है। सो ये था हमारा, दिस इज ऑल अबाउट योर जो आपके सिलेबस से क्या जो आपका क्या बोले टीजीटी जो आपका हिस्ट्री का जो सिलेबस है, टीजीटी हिस्ट्री का सिलेबस है। तो इसमें जो आपका पहला यूनिट में था क्या क्या आर्कियोलॉजिकल सोर्स, लिटरेरी सोर्स और फॉरेन अकाउंट। तो हमने क्या कर लिया, आर्कियोलॉजिकल सोर्स कर लिया, लिटरेरी सोर्स कर लिया। अब जब हम कल की क्लास में क्या करेंगे, कल की क्लास में या नेक्स्ट क्लास में फॉरेन अकाउंट के बारे में डिस्कस करूंगी। मीन्स कि फॉरेन अकाउंट क्या है, फॉरेन अकाउंट वाला अकाउंट नहीं, कि जो फॉरेनर्स आए इंडियन रूलर की कोर्ट में, उन्होंने कुछ यहाँ पे क्या किया, ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व किया उसके बेसिस पे उन्होंने राइटिंग किया या कह लीजिए बुक लिखा, जो भी ऑब्जर्वेशन जो उन्होंने अपना पेन डाउन किया, दैट इज अ फॉरेन अकाउंट, दैट टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द क्या एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। सो आई होप ये चीजें बहुत ही हम स्लो मोड में जा रहे हैं, आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी, ठीक है। ठीक है, सो बाय दिस वी विल एंड आवर टुडेज डिस्कशन, लेट्स सी यू इन अनदर क्लास, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं आप, ओके बाय, गुड नाइट। ओके।